हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धुमड़िया में नकली खाद बेचते 3 गिरफ्तार, 94 कट्टे बरामद। स्थानीय पुलिस ने जैविक के नाम डुप्लीकेट खाद बेचते 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 94 कट्टे बरामद कर मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी शिवराज सिंह भाटी ने बताया कि सहायक निदेशक कृषि विस्तार भीमाल के प्रेमचंद वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि धुमड़िया गांव में मेड़ा सड़क मार्ग पर किसान गणेशा राम पुत्र मधुपाजी चौधरी के बेरे पर जैविक खाद के नाम पर नकली खाद एक गिरोह द्वारा बेचने की सूचना मिली, जहां भरतपुर के करासका मुड़ोत निवासी परमाल खां पुत्र मोरमल खां, जफरुद्दीन पुत्र सुफेदा खां निवासी रोज की सेणका भरतपुर व इरफान खां पुत्र सोयल खां सुहेरा भरतपुर धोखाधड़ी कर प्रति 50 किलो के बैग को 1100 रुपए में फर्जी तरीके से बेचते पाए। तीनों विक्रेताओं के पास कोई वैध दस्तावेज या अनुज्ञा पत्र नहीं मिलने से 62 कट्टे व बगौड़ा से 32 कट्टे एक किराए के गोदाम पर मिलने पर जब्त किए हैं। पुलिस उप निरीक्षक भाटी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है और मामले में अनुसंधान के लिए फाइल सीओ भीनमाल को प्रेषित की है, जो कि इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए बागौड़ा से रिडमल दान राव की रिपोर्ट।